पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पोल्यूशन। प्राचीन काल में मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध थे बड़े अनुकूल संबंध थे। मानव की जो अवस्थाएं थी, नीड्स थी, बहुत कम थी और वह प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए ही पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे मानव की नीड्स है वो बढ़ने लगी, उसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो बढ़ने लगी और जनसंख्या भी बढ़ने लगी, तो जिससे मानव और प्रकृति के मध्य जो दोस्ताना संबंध थे वो अब दुश्मनी में बदलने लगे। अर्थात मानव ने प्रकृति का दोहन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे भूमि से उसने खनिज संपदा, डीजल, पेट्रोल आदि निकाल कर धरती को खोखला कर दिया और वृक्षों का भी कटाई कर दी। बड़े लेवल पर वृक्षों की कटाई की जाने लगी क्योंकि मानव को बसाने के लिए, आवास के लिए घर की आवश्यकता होने लगी और ईंधन के लिए भी लकड़ी का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, इस तरह से वनों की बड़ी लेवल पर कटाई की जाने लगी जिससे उसमें जो भी वन्य जीव रहते थे वो बेघर होते गए। इसके अलावा इनके कटने से वायु पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो बढ़ने लगा गया। इसके अलावा जैसे ही औद्योगिकरण अधिक होने लगा तो एयर में हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ने लगी और वायु पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की जो समस्या है हमारे तक आज मुख्य समस्या बन गई। हमारे तक आज एयर पोल्यूशन समस्या बनी हुई है। इसके अलावा हमारी जो नदियां थी उनमें पानी पहले बहुत पवित्र था, आज जैसे ही इनकी कलपुर्जों का पानी, औद्योगिक फैक्ट्रियों का इत्यादि का पानी वगैरह दूषित पानी इनमें छोड़ा जा रहा है जगह जगह, जिससे इनका पानी भी प्रदूषित हो गया है। तो आज हम मुख्यतः जो हमारे एयर पोल्यूशन पर विचार करेंगे, वायु पोल्यूशन पर विचार करेंगे। मानव को जो वायु है वो प्रकृति प्रदत्त उपहार है, प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक गिफ्ट है। जो एयर है वो सभी हमारा ही नहीं बल्कि सभी जीवों का आधार है। मानव भोजन खाए बिना, जल पिए बिना कुछ समय तक रह सकता है लेकिन इसके बिना जीवन असंभव है। एक अनुमान के अनुसार आदमी 24 घंटे में 22,000 बार सांस लेता है तथा इसमें कितने 16 किलोग्राम एयर की मात्रा का उपयोग होता है। ऐसी वायु जो हानिकारक गैसों से मुक्त हो उसे ही प्योर एयर के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में वैसे निम्न गैसें को शामिल किया जाता है मुख्यतः। कौन कौन सी है? नाइट्रोजन है जिनकी मात्रा 79.20% है, ऑक्सीजन 2.60% है, सल्फर की मात्रा 0.20% है। इसके अलावा अन्य भी गैसें हैं। आधुनिक युग में उद्योगों की चिमनियां, बढ़ते वाहनों एवं अन्य कारणों से वायुमंडल में अनेक हानिकारक गैसें मिश्रित हो रही हैं जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि मुख्य हैं। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला शीशा, लेड, अजले हाइड्रोकार्बन इत्यादि गैसें भी प्रमुख हैं। विभिन्न गैसों का मानव जीवन पर प्रभाव, कार्बन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रभाव पड़ते हैं? ये रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर हानिकारक पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तथा अनेक व्याधियां उत्पन्न करता है। टोरी नाक, नाक गले में जलन, आँखों में सूजन तथा खांसी की बीमारी उत्पन्न करती है।
धूलकण एलर्जी, सांस के रोग, रेत की अधिकता से सिल्कोसिस नामक रोग होता है। एस्बेस्टस कण है, एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। लेड कण से लेड विषाक्तता तथा कैंसर। मैग्नीज कण से निमोनिया व सांस की बीमारी। हाइड्रोजन सल्फाइड से नाक, कान, गले में जलन, लकवा। इसके अलावा और भी प्रमुख गैसें और उनके प्रभाव हैं, जैसे वारे की मात्रा से अत्यंत विषैला होने की वजह से पारे की सख्ता हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जलन, फेफड़ों के रोग तथा दृष्टि की समस्या होती है। ओजोन से आंख, नाक, गले में जलन, दमे की बीमारी तथा वातावरण में स्मोग बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड से सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ तथा मृत्यु दर में वृद्धि। रेडियोधर्मी कण मुख्यतः कैंसर तथा आगे की पीढ़ी में संतानों में विकृति होना तथा आयु बिगड़ती है। इसके अलावा वायुमंडल के में जो रंगाई सफाई की जाती है उससे भी प्रदूषण फैलता है, जैसे ताजमहल का पत्थर अब जो ध्वस्त होने लगा है वो वायु प्रदूषण का ही परिणाम है। इसके अलावा जो अमल वर्षा है वो भी वायु प्रदूषण का ही परिणाम है। '81 में इन सब समस्या को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का विकास किया गया, जिसने विभिन्न उद्योगों में विभिन्न गैसों की मात्रा बताई, जैसे औद्योगिक और मिश्रित वातावरण में निलंबित सल्फर डाइऑक्साइड 120, सूक्ष्म 500, कार्बन मोनोऑक्साइड 5000, नाइट्रोजन के ऑक्साइड 120। आवासीय और शहरी में निलंबित सल्फर डाइऑक्साइड 80, सूक्ष्म 200, कार्बन मोनोऑक्साइड 2000, ऑक्साइड 80 इत्यादि। उनके प्रभाव ये पहले में हम डिस्कशन कर चुके हैं। वायु प्रदूषण को रोकने हेतु उपाय, वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है हमारे लिए, हम इनके जो इफेक्ट हैं, प्रभाव हैं, जहाँ हानियाँ हैं उनको ऊपर देख चुके हैं। तो इसको देखते हुए, समस्या को देखते हुए जो एयर पोल्यूशन है उसको रोकना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक बन चुका है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की समस्या बनी हुई है, ऑक्सीजन है वो सभी को, जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं उनको मिल नहीं पा रही है, बड़ी किल्लत चल रही है। इसलिए वर्तमान समस्या को देखते हुए भी जो एयर पोल्यूशन है वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इसलिए इसके रोकने के उपाय हमें अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, जो रिक्त स्थान है वहाँ पे वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके अलावा नहरों, सड़कों की पटरियों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। उद्योगों के किनारे भी ग्रीन हरी पट्टियाँ विकसित करनी चाहिए, ताकि जो उनसे निकलने वाली जो भी हानिकारक गैसें हैं वो O2 में चेंज हो जाएं, ऑक्सीजन में चेंज हो जाएं। इसमें सबसे जो अच्छे वृक्ष हैं पीपल और बरगद, नीम इत्यादि का वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए। ये वृक्ष हैं जो पोल्यूशन को भी कम करते हैं, वर्षा में भी सहायक होते हैं और हमारे दैनिक जीवन में तो इनका उपयोग है ही है। इसके अलावा प्रयास करना चाहिए कि जो जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनमें गैसों की मात्रा है वो जिनमें कम हो उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को लगाना चाहिए। जिन इकाइयों में गैसों की मात्रा, हानिकारक गैसों की मात्रा कम हो उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देना चाहिए।
और उद्योगों में चिमनियों की ऊंचाइयाँ पर्याप्त होनी चाहिए, जो भट्ठों की या कलपुर्जों की जो चिमनियाँ होती हैं फैक्ट्री इत्यादि की, उनकी जो चिमनियाँ हैं बहुत ऊंची होनी चाहिए, ताकि आसपास का जो वातावरण है वो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित ना हो, प्रदूषित ना हो। पेट्रोल कारों में सीएनजी गैस का उपयोग करना चाहिए, इसके अलावा सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। घरों में धुआं रहित इंधनों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा जीवाश्म इंधनों के रूप में हमें पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि वैकल्पिक ऊर्जाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे वायुमंडल हमारे स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इस तथ्य के विपरीत हमने विभिन्न पर्यावरणीय तंत्रों को इस सीमा तक प्रभावित कर दिया है, जिसका प्रोक्ष दुष्परिणाम हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम सोच चुके हैं कि जो वायु प्रदूषण है हमारे लिए बड़ा खतरनाक, एयर पोल्यूशन है हमारे लिए बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। तो इस सब को, समस्या को देखते हुए हमें इन उपायों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा और भी पर्यावरणीय पोल्यूशन से रिलेटेड समस्याएं हैं, जिनका हम जिक्र कल करेंगे। जैसे मेन में हम बता देते हैं, जैसे जल पोल्यूशन है, जल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, जल प्रदूषण है, इसके कारण हैं ये हम, इसके अलावा इसके प्रभाव हैं, इसको रोकने के उपाय हैं, फिर साउंड पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, इसके कारण, प्रभाव, नियंत्रण के उपाय, इसके अलावा मृदा पोल्यूशन है, सोयल पोल्यूशन है, इसके कारण, प्रभाव, मृदा पोल्यूशन के नियंत्रण, फिर ओजोन परत में छेद, पृथ्वी की वायुमंडल की विभिन्न परतें निम्न प्रकार से हैं, इन सब का हम जो, इसके अलावा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का कारण है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का प्रभाव, और फिर इसके बाद है क्लाइमेट चेंज, इसके इफेक्ट, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, इस सभी का जिक्र हम एक एक दिन के टॉपिक्स में करेंगे। अलग अलग अम्लीय वर्षा है इत्यादि है, इसके प्रभाव हैं अथवा हानियां हैं, पॉलीथीन पोल्यूशन है, जितने भी मतलब पोल्यूशन है अर्थ पे एक प्रकार है पोल्यूशन के, उनका सभी का हम जिक्र करेंगे। तो आज का ये टॉपिक इतना ही, इसके अलावा जल पोल्यूशन का इसमें आज और जिक्र कर लेते हैं। मेरे हिसाब से वाटर पोल्यूशन, जल में ठोस कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों, रेडियो एक्टिव तत्व आदि, वो कचरा एवं सीवरेज से निकला हुआ पानी मिलने से जल प्रदूषित हो रहा है। जितना भी फैक्ट्रियां हैं, कलपुर्जे हैं, जो कल कारखाने हैं इत्यादि हैं, उनसे जितना भी प्रदूषित जल है वो नदियाँ नालों में बहने वाले ताज़ा जल में मिल जाता है, जिससे मिलने से जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है और उसको पीने लायक नहीं रहता है। प्रदूषण के कारण उद्योगों से निकलने वाला कचरा कई धातुएं जैसे मरकरी, कैडमियम, लेड आदि अपने साथ निकलता है। सीवरेज का जल मानव तथा पशुओं दोनों के लिए हानिकारक है। जीवाणु हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया एवं यूरिक एसिड आदि मिलते मिले रहते हैं। बहुत से साबुनों से निकलने वाला पानी भी जल को प्रदूषित करता है। इसके अलावा निर्माण कार्य में प्रयुक्त पदार्थ, इमारतों में प्रयोग होने वाले पदार्थ जैसे फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि नदी में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे डीडीटी, बीएचसी आदि के छिड़काव से भी जल प्रदूषित होता है। नाइट्रेट तथा फॉस्फेट लवण की साधारणतया उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, समय मिट्टी के साथ मिलकर जल को प्रदूषित कर देता है।
कच्चा पेट्रोल कुओं से निकालते समय समुद्र में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इसके प्रभाव कौन कौन से हैं, इफेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे मुख्यतः इसके इफेक्ट की बात करते हैं। आर्सेनिक प्रदूषक आर्सेनिक है, इससे क्या होता है, कैंसर, ब्लैक फूट रोग इत्यादि। जिसमें कैडमियम की मात्रा होती है, इससे उच्च रक्तचाप, रक्त कणिकाओं का क्षय, दस्त, हृदय रोग इत्यादि। बेरिलियम से कैंसर, क्लोराइड से दांतों का फ्लोरोसिस रोग, हड्डियों का क्षय होना, शीशा, कैंसर, अनीमिया, उगर, शरीर विष, तंत्रिका तंत्र पर कुप्रभाव, गर्भवती महिलाओं में रोग, पारा से अत्यधिक जहरीला, मस्तिष्क पर कुप्रभाव, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, क्रोमियम से चर्म रोग, खुजली, कैंसर इत्यादि। नाइट्रेट से मैट हीमोग्लोबेमिया से श्वसन रोग, निमोनिया, त्वचा रोग आदि। तो ये इसके प्रभाव थे, इफेक्ट थे जो हमने देखे। इसके उपाय क्या हो सकते हैं? अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को रोका जाना चाहिए तथा उसके स्थान पर गोबर की खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक साबुनों के बढ़ते प्रयोग को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि नदियों में मिलाने से पूर्व उसमें उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देना चाहिए। कि पदार्थ हॉस्पिटल एवं रासायनिक प्रयोगशालाओं के कूड़े को जल में मिलाने के स्थान पर उसे जमीन में गाड़ना चाहिए, दबाना चाहिए कि और विश्व जनमत का ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ध्वनि पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, अनियंत्रित अत्यधिक तेज एवं असहनीय साउंड पोल्यूशन कहते हैं। साउंड पोल्यूशन की तीव्रता को डेसिबल इकाई में मेजर किया जाता है। 0 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का वह लेवल है जहाँ यहाँ से ध्वनि सुनाई देती है। बिल्कुल जो फुसफुसाहट में बोलने पर ध्वनि की तीव्रता 30 डेसिबल होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार 40 से 50 डेसिबल तक की ध्वनि साउंड है मानव के सहने लायक होती है। उससे अधिक की जो तीव्रता की ध्वनि है मानव के लिए हानिकारक होती है, जैसे इनके अलग अलग किस क्रिया में कितनी ध्वनि की डेसिबल होती है उसका हम जिक्र करते हैं। जैसे इस माने जो सुनने की सीमा है 20 डेसिबल, सामान्य वार्तालाप 50 से 60 डेसिबल में, सुनने की क्षमता में गिरावट 70 डेसिबल, चिचड़ाहट 80 डेसिबल, मांसपेशियों में उत्तेजना 90 डेसिबल, और दर्द की सीमा 120 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण का कारण औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर सायरन, हॉर्न तथा मशीनों के द्वारा होने वाला शोर शराबा, में किसी भी त्यौहार व उत्सव में, राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार व रैली में लाउडस्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल के विस्तार के कारण, उनके इंजन एवं हॉर्न के कारण, जनरेटरों एवं डीजल पंपों आदि से भी पोल्यूशन होता है। इसका प्रभाव प्रदूषण के अन्य के बांधते ही साउंड पोल्यूशन भी हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। अधिक नॉइस से हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा सुनने की पावर है लगातार घटती जाती है, जिससे धीरे धीरे बहरापन हो जाता है। प्रदूषण से हृदय गति भी बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप, सिर दर्द एवं जैसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी
साउंड पोल्यूशन का बुरा प्रभाव पड़ता है, कई प्रकार के शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और दमा जैसी शारीरिक रोगों तथा थकान एवं चिड़चिड़ाहट उत्पन्न जैसे मनोविकारों का कारण भी ध्वनि प्रदूषण ही है। प्रदूषण का नियंत्रण संभव जितना पॉसिबल हो सके लाउड स्पीकरों का प्रयोग है वो कम से कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा घरों में रेडियो टेप टेलीविजन का प्रयोग कम आवाज़ में करना चाहिए, वाहनों के हॉर्न का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, उनके साइलेंसरों एवं इंजनों की देखभाल समय से करनी चाहिए, हवाई जहाज़ों एवं जेट विमानों को निर्धारित ऊंचाई पर ही उड़ना चाहिए कम से कम करना चाहिए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाकर साउंड पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। साउंड पोल्यूशन से बचाव के साधन जैसे ईयर प्लग, ईयर आदि का प्रयोग करके पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। रेलगाड़ी से उत्पन्न नॉइस को ब्लास्ट विहीन रेल पथों के निर्माण द्वारा दूर किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण से ग्रसित सड़कों एवं मकानों को ध्वनि निरोधी बनाना चाहिए। धन्यवाद।